अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद अली शाद। आज हमारा टॉपिक है स्टेम एंड लीफ। तो ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, इसमें से हमने स्टेम एंड लीफ मालूम करना है, साथ फ्रीक्वेंसी भी मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास तरतीब में दिया हुआ है, कॉलम में, इन सॉर्टेड नहीं है वैसे, कॉलम में दिया हुआ है। तो ये इस तरह रो हो गई और इस तरह ये हमारे पास कॉलम है। तो हमने स्टार्ट करना है ज़ीरो से। पहले देखते हैं ज़ीरो वाला है, इसमें कोई नंबर नहीं है। ज़ीरो वाले नंबर वो होते हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम उसको सिंगल डिजिट लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखा 9, 0, 9। तो अब इसके साथ 0, 9 लिख दें या सिर्फ 9 लिख दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, रकम वही होती है। तो हमारे पास इसमें देखते हैं ज़ीरो वाला कोई है या नहीं है, सिंगल डिजिट वाला या नहीं। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट वाला नहीं है, इसलिए हम 1 डिजिट वाला लेते हैं। वन वाले के साथ कौन से होंगे यानी 2 डिजिट। तो ये हमारे पास 2 डिजिट है, एक ये है 1, 1, वन 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 ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं 1 वाला के साथ। ये डेटा हमारा सॉर्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो सॉर्ट कर लें, तो हम तरतीब में करेंगे। ये हमारे पास पहला है 1 के साथ 8। 8 के बाद कॉमा, कॉमे के बाद हमारे पास इस लाइन में 2, 2 आ गया। 2 के बाद इस लाइन में कोई नंबर नहीं है। दूसरी रो में देखते हैं 2 के साथ कोई नंबर, 1 के साथ कोई नंबर है या नहीं, नहीं है, इसमें भी नहीं है। और इसमें देखते हैं 1 के साथ ये हमारे पास 7, 9 और 2, ये हमारे पास 3 नंबर है। कॉमा, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7, 9, 2, ये हमारे पास कितने नंबर हैं? 1 वाले 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अदद आएंगे वो 2 के साथ देख लेते हैं, इस रो में कौन से 2 वाले हैं। ये हमारे पास 2 वाला है और 2 के साथ इस लाइन में 2 के साथ वो ये है, इस लाइन में 2 के साथ ये है बस। तो अब हम 2 वाले रकम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, 5। 5 के बाद 2 वाला हमारे पास 8। 8 के बाद 2 वाले नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया 6। 6 के बाद 2 वाला नहीं है, चलो इनके कॉमे लगा लें। कॉमों को बगैर भी लिख लेते हैं, लेकिन अब हम 3 वाला नंबर देखेंगे। ये 3 वाला नंबर है 7। 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 3, 3, तो 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3 वाला नंबर जो है हमारे पास 1। 1 के बाद 8, 8 के बाद है 9।
नाइन के बाद थ्री वाला नंबर, नाइन के बाद फाइव, फाइव के बाद थ्री वाला नंबर नहीं है, तो इनमें कॉमे लगाते हैं। अब हम देखेंगे फोर वाले नंबर, यानी 40 और 50 के दरमियान जो अदद हैं, पहली लाइन में फोर फोर, ये फोर एट आ गया, फोर 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 ज़ीरो आ गया, फोर फोर थ्री आ गया, फोर 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 थ्री आ गया, फोर 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 थ्री आ गया, फोर 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 आ गया, वन आ गया, फोर 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 एट आ गया। अब हमारे पास फाइव वाले नंबर हैं, कौन से हैं, यानी 50 और 59 के दरमियान, फाइव 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 फाइव, इस लाइन में तो फाइव वाला है नहीं, इस लाइन में ये फोर सेवन, फाइव 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 ज़ीरो ज़ीरो, फाइव 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 थ्री थ्री फाइव, तो ये हमारे पास फोर वाले फाइव वाले आ गए। अब सिक्स वाले देखते हैं, एट फोर फोर, सिक्स वाले सिक्स वाले इधर कोई भी नहीं है इस लाइन में, इस लाइन में ये सिक्स वाला ज़ीरो है। ये हमारे पास लीफ निकला है, अब इनमें कॉमे लगा लेते हैं। कॉमा लगा ले, ये हमारे लीफ निकला है। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एन नंबर्स को गिन ले तो उतने नंबर्स वही फ्रीक्वेंसी बन जाती है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, जी इसमें से और चीज़ भी निकाल लेते हैं, वो मोड जो होता है, तो मोड वाली हमारे पास थ्री वाली रकमें जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमारे पास मोड वैल्यू क्या बनेगी, 43। आज का टॉपिक हमारा एंड, ओके, अल्लाह हाफिज़।